ओम तत्सत। पितामह दादाजी से कथा सुने। भरत नाम की चर्चा, तीसरे जो भरत हुए वे भरत शास्त्र नाट्य शास्त्र के जो प्रवक्ता थे, 2-2.5 हजार वर्ष पहले जिनका जीवन काल था, और नाट्य इसमें संगीत, अलंकार, छंद, इनका सबका सांगोपांग उन्होंने रचाया। ऐसा मानते हैं कि उनका जो प्रथम नाटक था, देवासुर संग्राम, उस नाटक का अभिनय इंद्र सभा में ही उस अभिनय हुई थी, ऐसा मानते हैं। वैसे अपने वेदों में नाटक के लिए जो आधार विषय आधार पाठ्य वेदों में है, लोप मुद्रा, अगस्त्य संवाद, यम यमी संवाद, पुरुरवा, उर्वशी आदि संवाद, रुचिकर इंटरेस्टिंग नाटक में रचे जा सकते हैं ऋग्वेद में। तो इस ऋग्वेद के पाठ्य विषय यजुर्वेद के अभिनय, यजुर्वेद से सामवेद से संगीत, और अथर्ववेद से रस, इस प्रकार इनको लेकर उन्होंने नाट्य शास्त्र रचाया और अपने पुत्रों को पढ़ाया। और आज का जो नाट्य नाटक, इसके आद्य प्रवर्तक श्री भरत मुनि माने जाते हैं। और एक भरत, जैसे मैंने कल कहा था, राजा भरत ऋषभ देव के 100 पुत्रों में एक पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र भरत। ऋषभ देव सन्यासी हो गए, राज्यभार इस भरत के हाथ सौंप कर भरत ने कई हजारों वर्षों का राज्य परिपालन किया, और उसके उपरांत वे भी वानप्रस्थ होकर वन में चले गए। धार्मिक, धर्मनिष्ठ, उच्च स्तर के जो तपस्वी, ऐसे वे अपना जीवन चला रहे थे। जीवन का अंतिम समय में उन्होंने एक दृश्य देखा, एक मृग गर्भवती है, और वह नदी के उस पार पानी पी रही है, और उस समय पीछे एक व्याघ्र उसके गर्जना सुनाई देती है। तो मृग एकदम घबरा कर नदी पार करते हुए छलांग लगाती है, पर उसके पैर जो फिसल गए छलांग उड़ी मारते समय, तो वह उस
दर्द में, उस कष्ट में, उस दर्द के कारण, पेन के कारण उसी समय वह गर्भ हो, प्रसव हो जाता है और वह स्वयं माता जो मृग है मर जाती है। यह जो शावक है मृग का, बछड़ा, नवजात, अभी बस गर्भ से निकला है, प्रसव हुआ है, वह पानी में तड़पता हुआ उसे ऋषि, भरत ऋषि देखते हैं तो उनका हृदय द्रवित होता, तो उसे उठा लाते हैं और उसको अपने गोदी पर रखते हुए उसको दूध पिलाते हैं। ऐसा जो प्रारंभ हुआ तो उनके पूरे दिन जो है उस शावक के साथ ही जाता, शावक की आवश्यकताओं को पूरी करते हुए। माता को खोया है उसने, तो उसको दूध पिलाते हुए, उसको हाथ से उसे स्नेह दिखाते हुए, समय तो जाता ही जाता, मन में भी उसी की चिंता रह जाती, उसी के विचार, वह क्या करेगा, कैसा जिएगा, बस उसी विचार में रह गए। जपमाला छूट गई, तपश्चर्या रुक गई और उसी मनोवस्था में उनका प्राण छूट जाता है। तो जैसे गीता कहती है, यम यम अपि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, जो कलेवर को, अपने शरीर को अंतकाल में जिस भावना में रहते हुए त्यागता है, उसी भावना के तद उसके अनुरूप वह आगे के जीवन में शरीर और वातावरण पाता है, उसी वातावरण में जन्म लेता है इस भावना के अनुरूप। तो ये तो पूरे मृग के चिंता, मृग के शावक की चिंता, उसी का विचार, इसी अवस्था में उन्होंने प्राण छोड़ा तो वे मृग के रूप में जन्म लिए। परंतु उनको अपना पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया, जैसे अर्जुन वहां पूछता है, यदि योग भ्रष्ट हो जाता है तो उसकी अवस्था क्या होगी, वह क्या पूरा नाश हो जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जितना किया है उसका तो वह भोगेगा, तो उसने जितनी उनकी साधना रही उसके अनुरूप मृग अवस्था में भी वह अलिप्त एकांत जीवन जीते हैं और उस वह जन्म निकल जाता है। आगे के जन्म में वे अंगीरस गोत्र में, अंगीरस एक परिवार में एक ब्राह्मण बच्चा बनकर जन्म लेते हैं। क्षत्रिय थे, राजा थे, तो जन्म होता है तो उनको अपना ज्ञान आ जाता, तो कहते हैं कि मैंने जो पथ भ्रष्ट, योग भ्रष्ट हुआ तो एक मृग का जन्म लेना पड़ा, तो इसलिए वे किसी कर्म में लगते नहीं, कुछ नहीं करना। तो कुछ नहीं करना कैसे हो सकता है, किसी कर्म जिसको आरंभ कहते हैं गीता में, आरंभ, किसी प्रकार के कर्म आरंभ में नहीं लगे, कोई बंधन ना हो, इसलिए सभी से अलिप्त और किसी कर्म में न लगते हुए वह बेबस, इसलिए वे जड़ भरत कहा जाते हैं। जड़ भरत, जड़ जड़त्व जैसा जीवन उनका चला, घर वाले उसको किसी ना किसी काम में लगाना चाहते थे, भाई उनके ले गए किसान कृषि में, खेत पर, और वहाँ
दिया कि भाई करो, तो चिड़िया भगाओ, तो ये तो उल्टा चिड़िया इनके ऊपर, सैकड़ों में चिड़िया इनके ऊपर, कंधे पर, सर पर, कंधे पर, इस कंधे पर, हाथों में, उनके आसपास, उनके गोदी पर इतनी चिड़िया। अरे ये अपने शरीर का के ऊपर बैठे हुए चिड़िया जो भगा नहीं सकेगा, वो क्या खेत के चिड़िया क्या भगाएगा। तो भाइयों ने उसे भगा दिया। फिर भी उनको इसको कुछ ना कुछ काम में लगाना है, तो वहाँ कोई समतल करना है, खेत को खोद कर समतल करना है, जो ऊपर के मेढ़ जैसा है उसे सब समतल करना है। तो उनके हाथ में फावड़ा दिया और लगाया काम में। तो ये काम में जो लगे फावड़ा, खोदते खोदते कुआं बन गया और जो मिट्टी निकली उसका पुनः एक पर्वत बन गया। बड़े चिढ़ गए सब उसके ऊपर, भगा दिया उसको। तो वे मनुष्य मानते तक नहीं थे, बस फेंकते थे भोजन, रोटी जैसे कुत्ते को देते हैं वैसा फेंकते थे। परंतु इनसे ये विचलित होते नहीं थे, बस आनंद से अपने अंदर आनंद में रहते थे और अपना दिन चलता था। हृष्ट पुष्ट थे, योगी योग के साधना में तो एकदम हड्डी हड्डी शरीर रहता है, वृक्ष शरीर होता है, परंतु ये तो बड़े बड़े हृष्ट पुष्ट और जवान बलवान शरीर था, ऐसे ही बैठे हुए थे। तो वहाँ राजा सौरव, मैं उसका नाम भूलता हूँ, वह राजा वहां से उसकी पालकी में जा रहा था और उसके पालकी चार व्यक्ति ढो रहे थे। उसमें से एक जो है उसने कहा, मुझे कंधों में दर्द है तो मैं अभी उठा नहीं सकता, तो चौथा व्यक्ति ढूंढो। राजा ने आज्ञा किया, तो वे जो बाकी तीन थे पालकी ढोने वाले, तो उन्होंने इस भरत को देखा, जड़ भरत को, उसको बताया, तो वो तो बस निश्चल बैठा हुआ, तो उसको उठा के लाए और कहा कि ढो पालकी, आगे में लगा दिया उसे चार में एक, और वह पालकी ढोते हुए चारों चले। ये तो व्यक्ति बाहर में दिखने वाला मनुष्य था, परंतु अंदर तो वह अपने ही एक संसार में, आत्म ब्रह्मा के संसार में था। तो छोटी छोटी चींटियां सामने में आती तो उसके लिए वह उछल मारकर अपना पैर रखता, छोटे छोटे जंतुओं के लिए उछलता। तो ये उछला तो अंदर पालकी उछली और अंदर बैठा हुआ उछलता तो उसका सर जाकर ऊपर लगता, और तीन बार चार बार हो गया तो वह गुस्सा हो गया और इसको एक लात मारते हुए पालकी रुकवाया। तो फिर यह मुंह खोलता है, तब तक मौन जो था उस राजा से पूछता है, किस विषय का इतना अहंकार करते हो? बस यह प्रश्न से उनमें आपसे एक संवाद छिड़ती है, किस विषय का अहंकार? क्या यह नित्य है, यह राज्य राज जो अधिकार सिंहासन ऐश्वर्य, इस प्रकार यह जो जिसे नित्य समझकर, जिसके साथ जुड़कर अपने मैं का अहंकार करते हो, ये सब अनित्य है। तो ऐसे होकर फिर उन्होंने जाना उस राजा ने कि यह तो साधारण व्यक्ति नहीं, बड़ा महान है। तो उनके चरणों में बैठकर उन्होंने सुना, यह तो राजा भरत, जो जड़ भरत अश्व मृग बना था बीच में और जड़ भरत बना था, और उस अवस्था से वह
मोक्ष की प्राप्ति करता है, अपने दिव्य जो जीवन है उसका वह जीव अंत करता है और परमात्मा से विलीन होते हैं। यह चौथा भरत, भरत आगे अपन आज की कथा यहाँ पर समाप्त करें, आगे हम अन्य कथाओं के साथ इस सूत्र को आगे बढ़ाएंगे। सबको नमस्कार, ओम तत्सत।